जानते हैं हमारी प्रतिभागी स्कूल की आचार्य से। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमलेश है। ओके मैम, आप कौन से स्कूल से आए हैं? मैं स्वामी विवेकानंद मैम आपके साथ ठीक है। मैं 20 गर्ल्स। मैम आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा है? स्कूल में आप आए हैं कल और मैम स्कूल का बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा कॉपरेटिव है, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का। आपका हम लोग एंट्री की हमें अच्छे से वेलकम किया, हमें सारी फैसिलिटीज़ अच्छे से प्रोवाइड की गई है, सारे यहाँ ग्राउंड्स बहुत अच्छे हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो गेम्स हो रहे हैं वो एकदम फेयर प्ले हो रहे हैं, कोई भी मतलब इसमें पार्शियलिटी या फिर चीटिंग नहीं है। और यहाँ का स्टाफ भी बहुत ज़्यादा कॉपरेटिव है। अब आइए बात करते हैं विद्यालय की स्पोर्ट्स आचार्य श्रीमती आशा दुआ जी से। मैम आपको जो प्रोग्राम है कल स्टार्ट हुआ कंटी प्रतियोगिता हो रही है हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम और बहुत अच्छा अनुभव है, अच्छी स्ट्रेंथ है ये बच्चों की, 350 स्टूडेंट है। मेरा एक सवाल है आपसे कि आप विद्यालय की सबसे वरिष्ठ आचार्य है और मुझे लगता है कि विद्यालय की जो एक बहुत ही भरोसेमंद नींव है, सबसे पुराने आचार्यों में आप हैं, तो इतने सारे लोगों की व्यवस्था, इनका खाना पीना खेल कूद किस तरीके से संभाल पाते हैं आप लोग? हमारे स्कूल में जो ये प्रोग्राम हो रहा है इसकी व्यवस्थाएँ जो है पहले से ही प्री प्लानिंग से प्रतियोगिता से पहले की जो व्यवस्थाएँ होती हैं वो सारी डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी अदर सब्जेक्ट के टीचर्स को, तो वो बहुत खूबी के साथ अपनी व्यवस्थाओं को निभा रहे हैं और अच्छा अनुभव आ रहा है। मैम मेरा एक सवाल है कि विद्यालय के जो भैया बहन हैं उनका जोश किस तरीके से बरकरार है और किस तरीके से इस प्रतियोगिता को लेकर वो एक्साइटेड है? जोश है, प्रतियोगिताएं बच्चे खेल रहे हैं, फर्स्ट टाइम वॉलीबॉल टीम हमारे विद्यालय की आई है, लेकिन बहुत ही अच्छा जोश है उनमें, जो अभ्यास था वो अपना 100% ग्राउंड में दे रहे हैं और उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए सब्जेक्ट टीचर्स भी है और स्टूडेंट्स भी हैं। तो ये विद्यालय की वरिष्ठ आचार्य आशा दुआ जी, बहुत अच्छे से बताया विद्यालय की बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से स्पोर्ट्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं मैम कराती हैं। पहली बार हमारी वॉलीबॉल की टीम है लेकिन पहली बार होने के बावजूद भी एक बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है उनकी, तो एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। थैंक यू आशा जी। जो ये हमारे विद्यालय की पहली बार प्रतियोगिता हो रही है लेकिन अंडर 17 बॉयज़ है वो सेमीफाइनल में पहुँच चुकी है, टीम सेमीफाइनल खेलेगी और अंडर 19 जो है वो फाइनल खेलेगी गर्ल्स की टीम। चलिए बहुत बढ़िया, इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ आपको भी और विद्यालयों को भी, सभी का धन्यवाद।